क्योंकि लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है ये। जी सबसे पहले तो मैं आस्था का पर्व में पूरे झारखंड वासी और मेरे तरफ से मैं जोहार कहती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा ये तो पावन पर्व है, आस्था का पर्व है। बहुत सारी महिलाएं जो 36-36 घंटे उपवास रहती है, व्रती महिलाएं, और इतना बड़ा पर्व को कैसे वो हंसते खेलते पार कर देती है। तो आज आस्था पार्टी के माध्यम से मैं महिला महानगर अध्यक्ष सीमा सिंह, केंद्रीय संगठन सचिव वर्षा गाड़ी, केंद्रीय सदस्य श्रीमती विजेता वर्मा जी, हम तीनों के नेतृत्व में आज हमने महानगर में सैकड़ों महिलाओं को सूप वितरण किया, जिसमें हमारे फल और पूजा की सामग्री सब वस्तुओं को हमने वार्ड नंबर आपका धुरवा में किया, अरगोड़ा में किया, कांके में किया, पंडरा में किया, मोराबादी में किया, और आपका बरियातू में किया। इस तरह हमने विभिन्न विभिन्न इलाकों में, क्योंकि हमारा पूरा 53 वार्ड से महिला आती है, तो एक दिन में हमने जितना कवर कर पाना था इन वार्डों में जाके हमने सैकड़ों महिलाओं को वितरण किया। लेकर के क्या कहना था उन्होंने? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि इस पावन पर्व में जो वैसे महिलाएं जो करना तो चाहती है लेकिन सक्षम नहीं है, आस्था पार्टी के माध्यम से आज हमने वही पहल किया, और यही चाहा कि जिस तरह आस्था के पर्व में सभी अपना योगदान देती, वो भी हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार के साथ में ये पर्व मना सके और 36 घंटा उपवास रख के सूर्य देव से प्रार्थना निवेदन जो करती है वो उसके सफल हो। मैं सीमा सिंह, रांची की आसू महिला महानगर अध्यक्ष। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।